बी टाउन में अपने लुक से काफी लड़कियों को अपना दीवाना बना चुके कार्तिक आर्यन को रिसेंटली स्पॉट किया गया आईफा अवार्ड के प्रैक्टिस सेशन में, जहां आईफा में अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ आर्यन ने भी बताया कि कैसे उन्होंने बनाई अपनी ये लवली और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, यानी कि उनकी ये अट्रैक्टिव बॉडी। तो चलिए आपको भी सुनवाते हैं कि ऐसा क्या करते हैं आर्यन और उनके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए उन लोगों को जो उनकी जैसी बॉडी पाना चाहते हैं, खुद आर्यन के ही मुंह से। Really chiseled your body and worked really hard on it. So, yes. Any suggestions to those people or those strugglers who are trying to make a mark? How important, as per you, is the physique part? I think struggle तो सभी अपने अपने जगह पे कर रहे हैं. तो ये जो रिप बॉडी वाला है, चिजल बॉडी वाला, आई एम रियली हैप्पी कि लोगों ने नोटिस किया उस चीज़ को. एंड इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी व्हेन यू एक्चुअली गो फॉर अ रिप बॉडी. एंड आई मीन आई वाज ऑन अ क्रेजी डाइट, क्रेजी स्केड्यूल ऑफ वर्किंग आउट ऑल्सो विथ माई ट्रेनर प्रशांत साहू एंड रोहन साहू. सो बट आई थिंक इट्स ऑलवेज 70% of your diet, 30% of your workout. You know, it's always about that. I mean, you need that determination. एक चाहिए होता है कि आप वो चीज़ विल पार आपका जाए नहीं, कि जो रिजल्ट है वो आपके पास एक एम रहे. एंड आई थिंक यू कैन अचीव एनी टाइप ऑफ बॉडी अनलेस इट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा तो चेंज है. बट मेरे लिए एक वो चिजल्ड रिप बॉडी लाना इस फिल्म के लिए ज़रूरी था, एक शॉट के लिए, एक सीन के लिए. तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था. सो आई डिडंट लूज माय फोकस. Kartik, one more very important question. People say bros before, okay, and there are certain set of guys who prefer gals before pals. So any message to those guys? And I think you are an ideal person to be delivering that message. नहीं, मेरी फिल्म में एक डायलॉग था कि वह दोस्ती टू बोलता है कि मेरी वाली अलग है, और मैं उसको रिप्लाई में बोलता हूँ कि तुझे पता है, देखो लगता है कि उसकी वाली अलग है और तेरे मुंह से मेरी वाली अलग है सुन के मुझे यकीन हो गया.